इमरान खान पर हमले के बाद पाकिस्तान जल रहा है, जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है, सरकारी संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया जा रहा है, गोलियों का जवाब गोलियों से देने की धमकी की जा रही है। और हम आपको अब दिखाते हैं कैसे पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। इस रिपोर्ट को गौर से देखिए। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में इमरान खान पर हुए हमले की, और इस हमले के बाद पाकिस्तान में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। हालात से जुड़ी इस वक्त की ताजा बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। इमरान पर हमले के बाद पाकिस्तान में बिगड़ गए हैं हालात, पूरे पाकिस्तान में आगजनी है और हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। और साथ ही जानकारी तो यह भी मिल रही है कि पीएम शहबाज शरीफ ने इनके खिलाफ, जिन्होंने ये घटनाक्रम किया है, उस मामले में पीटीआई के कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज करने की बात कर दी है। एक और बड़ी खबर पाकिस्तान मामले पर ही, इमरान पर हमले के खिलाफ सड़कों पर उतर गए हैं लोग। पेशावर में पीटीआई कार्यकर्ताओं का उग्र प्रदर्शन, उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। पीएम और गृह मंत्री को हटाने की मांग पुरजोर तरीके से आगे बढ़ाई जा रही है। सैन्य अफसर फैसल नसीर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। देश भर में पीटीआई कार्यकर्ताओं के लगातार उग्र प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये प्रदर्शन, ये उग्र तनाव का माहौल फिलहाल कभी कम होने वाला नहीं है। हाल फिलहाल के दिनों में ये वजीराबाद की तस्वीरें